योगी सरकार के फरमान पर एक्शन मोड पर आई पुलिस का खौफ अब अपराधियों में दिखने लगा है। अपराधियों की बेचैनी इस खौफ से बढ़ गई है कि पुलिस अब गोली का जवाब गोली से दे रही है। शायद इसी खौफ की वजह से एक अपराधी ने एसपी साहब, मैं विशाल बिल आत्मसमर्पण करने आया हूँ, मुझे पुलिस से बचाइए, मैं अब अपराध नहीं करूँगा का स्लोगन लिखा तख्ती टांगे एसपी कार्यालय पहुँचा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। मालूम हो कि लूट की वारदात में वांछित सदर कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज निवासी विशाल बिन सीने और पीठ पर आत्मसमर्पण की तख्ती लगाए जैसे ही पुलिस कार्यालय परिसर में पहुंचा, वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ ही विभिन्न कार्यों के लिए आए लोगों की नज़र उस पर टिक गई। ऑफिस की मीटिंग कर रहे एसपी, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, सभी तुरंत ऑफिस से बाहर आए। उससे पूछताछ की घटना की जानकारी एसपी ग्रामीण राजधारी चौरसिया ने संबंधित थाने में मोबाइल के माध्यम से ली तो पता चला कि आत्मसमर्पण करने वाले युवक लूट की वारदात में वांछित है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। समर्पण करने आए लूट में वांछित आरोपी विशाल बिंद ने बताया कि पुलिस की एसओजी टीम मेरी गिरफ्तारी के लिए लगातार लगी हुई थी, जिनसे बचने के लिए मैंने आज आत्मसमर्पण किया है। एसपी रोहन पी बोने ने बताया कि आज लूट के आरोपी विशाल बिंद ने आत्मसमर्पण किया है, जो भावरकोल थाने में लूट का वांछित आरोपी है। इससे पूछताछ चल रही है। मालूम हो कि बीते दिनों भावरकोल थाना पुलिस ने क्षेत्र के बसनिया गांव के पास से 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया था। इनके पास 2 तमंचा कारतूस के साथ ही लूट का टाटा मैजिक भी बरामद किया गया था। इस लूटकांड में विशाल बिंद भी शामिल था, जिसने आज पुलिस के खौफ से आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोने के निर्देशन में जिला पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। अपराधियों को गोली का जवाब गोली से दे रही है। पुलिस के एक्शन पर नजर दौड़ाई जाए तो इस माह में 11 दिनों में जंगीपुर, सैदपुर और दुल्लापुर थाना पुलिस और एसओजी टीम से बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इस दौरान आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली 3 आरोपियों के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने घायल बदमाशों के साथ ही उनके साथियों का दबोचते हुए सलाखों के पीछे भेजने का कार्य किया।